गर्मी हमारे शरीर में गर्मी की वजह से शरीर में पानी की कमी होने लग जाती है और उससे कई प्रकार के रोग हमारे बाहर आने लग जाते हैं या हमको परेशान कर। इसके अंदर कुदरत ने, प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है। गर्मियों में हमारे गर्मी की वजह से हमको पेशाब आने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती, हमारी जो त्वचा है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हम इम्पेशेंट होने लगते हैं। शरीर में पानी पीते रहने से भी बहुत ज्यादा पानी हमारे शरीर का भाप बनकर उड़ जाता है और हमको पेशाब में जलन होती है, कम आता है और पथरी भी बनने लग जाती है, या जिनकी पथरी होती है वो भी तकलीफ देती है। और भी कई प्रकार की हमारी बीमारियां इस गर्मी के अंदर होती हैं। उन सबका समाधान में एक हमारा अनाज है जिसको जौ कहते हैं। जौ मतलब बार्ले। बार्ले वाटर पीने से हमारे को कई प्रकार की गर्मियों में होने वाली बीमारियों से हमको राहत मिलती है। इसको जौ को 100 ग्राम पानी में 2 बड़ी चम्मच डाल के धीमी आंच पे पकाते रहो और जब ये आधा रह जाए उसको छान के ठंडा कर लें और उसको सुबह और शाम जल को पिएं। इससे हमारी मूत्र प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, किडनी की प्रॉब्लम, किडनी साफ होने लग जाएगी। इससे अगर पथरी बनेगी नहीं और जो पथरी है वो धीरे धीरे टूट कर बाहर निकल जाएगी। जौ को ऐसे भी लें और इसके अलावा इसकी रोटी बनाएं, धाणी बनाएं और सत्तू में इसका प्रयोग करें। इसका सत्तू होता है, उसका एक गिलास में एक बड़ी चम्मच सत्तू डालें, थोड़ा सा गुड़, शक्कर या चीनी जो आपके पास मिठास का हो, ठंडे पानी में मिलाकर दिन में दोपहर में एक बार अवश्य पिएं। इससे शरीर की गर्मी निकलती है। और जो शुगर पेशेंट है उनको ये चाहिए, एक मिश्रण बनाएं जिससे की वजह उनकी शुगर कंट्रोल भी हो सकती है। 5 हिस्से जो, 2 हिस्से चना, 1 हिस्सा सोयाबीन, 1 हिस्सा दाना मेथी और 1 हिस्सा गेहूं, इन पांचों चीजों को मिला लें, पिसवा लें और फिर उसको रोटी बना के खाते रहें सुबह शाम। इससे शुगर में फायदा होने लग जाता है, डायबिटीज कंट्रोल में आने लग जाता है। और जिन्होंने मोटापा कम करना उनका इसको खाने से मोटापा भी कम होगा, सत्तू खाने से भी कम होगा। गर्मी में जो सत्तू शरीर को ठंडक देता है इससे हमको गर्मी सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जिनके चेहरे के ऊपर हर लोग का तेली ऑयली ऑयली नजर आता है, अगर इस जौ के आटे में थोड़ा सा दूध मिलाकर ऊपर चेहरे पे लगाएं तो निखार आ जाता है और ये बहुत फायदा करता है, ये सौंदर्यवर्धक हो जाता है। अगर इसे मलाई मिला के करेंगे और ज्यादा इसका चेहरा, और इसको जौ को किसी भी तरीके से गर्मियों में खाते रहें, पीते रहें, इसका जूस पीते रहें, इसका बार बार रस बना के पिए तो उबाल उबाल के मतलब इसका जूस निकल आता है, उसको पीने से गले की सूजन और जो ज्यादा प्यास लगती है वो भी शांत होने लगती है। जहाँ ठोस भोजन नहीं दिया जा सकता वहाँ पर जौ का पानी उसको पिलाया जाए जिससे कि उसकी सूजन, बुखार, पेशाब में जलन ये सब को फायदा करता है। इतना अच्छा जौ है जो हमारे गर्मियों के अंदर एक बीमारी, एक दवाई है, औषधि है। ये जितनी फल फूल सब्जियां दालें मसाले ये सब औषधि है, इनका हम प्रयोग मौसम के हिसाब से, अपनी उम्र के और अपने प्रकृति के हिसाब उसका प्रयोग करते रहें तो हमें स्वस्थ रहने में बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे ताकि वो भी इन चीजों का फायदा उठा सकें। और आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और आइकॉन का बटन दबा दें कि आने वाले वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुँच सकें।